गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, जहां आपको दिख रहा होगा मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं रेगुलर बेस पे, वीकली बेस पे फेसबुक और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूं, जो आपकी हेल्प करती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो यार, और वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं अपने गूगल एडसेंस में मैनेज टैक्स इन्फो फिल कैसे करें, टैक्स इन्फो कैसे भरें। बेसिकली जो आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, अगर आप अपने बिल्कुल न्यू भी हो, आपने जस्ट अभी अपना मोनेटाइजेशन अप्लाई कराया बट आपको अपने टैक्स के लिए अप्लाई करना है, या पहले से आपने चैनल चला रहे हो फिर भी आपको टैक्स अप्लाई नहीं पता कैसे करना है, तो हम इसमें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। बेसिकली आपकी वजह से मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियोज आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो जैसा आपने देखा, मेरे चैनल मोनेटाइज है, उसके बाद मेरे अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखो, अब मुझे क्या था, मैं एडसेंस पे आता हूँ तो मेरे एडसेंस में कुछ भी नहीं शो कर रहा था, मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था। मैंने कुछ जो सीनियर्स हैं जो एजुकेशन चैनल चला रहे हैं, मैंने उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। वो मंथली आपका रिफ्लेक्ट करेगा पेमेंट का यहाँ पे, उसके बाद आपको अपना जो डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स आप ऐड करोगे जब सोडल हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट रिलीज होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो जो आ रहा है, आपके पास भी एक ऐसा पॉपअप आ रहा होगा गाइज। अब आपको करना क्या है, आपको करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है मेरे साथ। पहली बात तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने मिस करा तो समझो आपका अकाउंट वगैरह कुछ भी एडसेंस में इशू आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फर्स्टली आपको क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पे। जैसे ही मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करता हूँ, देखो ये खुल रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, अपना छोटा कर सकते हो डिस्प्ले, मैं भी डिस्प्ले छोटा कर रहा हूँ अपना। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आ चुका है हमारे पास ये पॉपअप, उस साइकिल के बाद जो सर्कल घूम रहा था इतनी देर से। आई लिखा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो टू गेट पे आउट फ्रॉम गूगल, मेक श्योर यू प्रोवाइड टैक्स इन्फो, दिस विल मेक अ फ्यू मिनट, ऐड टैक्स इन्फो में क्लिक करना है। देखो जहाँ बटन दिख रहा था आपको, कंटिन्यू, प्लीज वेरीफाई यू आर अलाउड टू न्यू विंडो, हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह फिर दोबारा डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। माइट बी श्योर डन हो पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पासवर्ड से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके पास विंडो खुली है, आप देखो गाइज ये आता है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, ये सेम बिल्कुल आपको ऐसे प्रोसीड करना है जैसे आपने पहले करा होगा अपना मोनेटाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे वही आपको लेके चलना है जो आपने ले रखा था, ये नहीं आप कुछ और चूज करोगे, आपने इंडिविजुअल चूज करना है क्योंकि आप इंडिविजुअल ही हो। वट टाइप ऑफ अकाउंट इज सागर रस्तोगी, मैं गाइज इंडिविजुअल, मैं कोई बिजनेस नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है कंटिन्यू। आर यू सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, नो नेवर, मैं कोई सिटीजन नहीं हूँ इंडिया का, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद लिखा होता है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। अब देखो यहाँ कुछ फॉर्म टाइप होता है, जैसे इंडिया में होता है ना, यहाँ पे हम फॉर्म 18 फॉर्म 16 भरते हैं, तो यहाँ पे US का भी होता है कुछ। अब देखो W8 DEN, दिस फॉर्म इज मोस्टली कॉमन यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स फ्रीटी बेनिफिट। अब ये इंडिविजुअल का जब वर्ड आ गया ना, हमें वहीं जाना है एज अ इंडिविजुअल। अब दिस फॉर्म इज मोस्टली कॉमनली यूज बाय नॉन US बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का वर्ड है तो बिजनेस से तो कोई लेना देना है नहीं गाइज, तो हमें इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है। स्टार्ट W8 BEN फॉर्म। अब आते हैं हम फॉर्म पे, जहाँ हमें फॉर्म पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है गाइज। तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो फिल करोगे आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देख के भरनी है आपको, कुछ गलती मत करना। जैसा आपने एडसेंस अकाउंट बनाते हुए भरी है, जहाँ अपने अकाउंट की सेटिंग्स में भरी है, वही चीज आपको देखनी है। तो बिल्कुल मिस्टेक्स ना हो उसका ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट हो, क्रॉस वेरीफाई करना 2-3 बार जितनी बार भी आप करोगे। नेम मेरा आ चुका है सागर रस्तोगी, आपका कुछ नेम है तो आप डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। DBA डूइंग अ बिजनेस एज नेम, मैं तो कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ। कंट्री आपको इंडिया यहाँ पे सर्च करना है, अगर हम बात करते हैं देखो इंडिया आ गया है, ठीक है। अब फॉरन टिन गाइस बेसिकली होता कुछ ऐसा है, फॉरन टिन होता है हमारा पैन कार्ड नंबर, क्योंकि टैन जो होते हैं बेसिकली बिजनेस के लिए होता है। अगर जिनका बिजनेस नहीं होता, अगर जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें डालना होता है अपना पैन नंबर, तो यहाँ गाइज आपको भी अपना पैन नंबर भरना है, जहां मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूँ टिन के अंदर। मैंने पैन नंबर डाल दिया है, ये ऑप्शनल है US टिन और SSN, क्योंकि वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पूछता है परमानेंट एड्रेस,
permanent residence PO box in care of address, you will be required PO box post office. इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने जैसे चेकबॉक्स क्लिक कर लिया परमानेंट रेजिडेंट है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है जो आपने फिल करा था अपने सेम उसमें। जब आपने बनाया था अपना एड्रेस अकाउंट, सेम डिटेल्स डालनी है बिल्कुल भी गाइज, मिस मत करना और चेंज मत करना, ठीक है। और प्लीज मेक श्योर होके काम करना जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। मैंने जैसे एड्रेस डाल दिया अपना, अब यहाँ पे हम करते हैं स्टेट में हमें चूज करना है दिल्ली, स्टेट दिल्ली ही होगी हमारी, मेलिंग एड्रेस भी यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन अगेन आता है हमारे पास, यहाँ देखो ये फॉर्म भरने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक बार फिर, आप क्रॉस चेक कर लो दोबारा से अगेन अपना, ठीक है। ये देखो आपका सारा दिखा रहा है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, टैक्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आर यू क्लेमिंग द रिड्यूस रेट विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग अ टैक्स ट्रीटी विद द यूएस, तो यस गाइज हम यही करने वाले हैं। नो यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज 30% विद होल्डिंग अ टैक्स पेमेंट एंड कंसिडर यूएस सोर्स इनकम, दिस में टैक्स रिड्यूस एलिमेंट पे अंडर रेलिवेंट टैक्स ट्रीटी। अब अगेन हमें यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, यस पे ही क्लिक करना है, रेजिडेंट कंट्री रीजन, और यहाँ पे हमें कंट्री चूज करनी है अपनी इंडिया, क्योंकि हम एज अ ट्रीटी टैक्स ट्रीटी लेने चाह रहे हैं जो बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आता है थोड़ा स्पेशल पार्ट्स, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, तो ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पे भरते हुए आपको, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। आप देखिएगा आपको करना है पहले सर्विस पे क्लिक, सर्विस पे यहाँ पे आर्टिकल आता है आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 विद होल्डिंग रिड्यूस 0% ट्रीटी रेट, ठीक है, एज अ टैक्स रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको मोशन पिक्चर एंड आर्टिकल 12 पैराग्राफ विद होल्डिंग 15%। देखो यहाँ पे 0 था और 30 था, हम ट्रीटी रेट की बात कर रहे हैं, नॉट ट्रीटी, इस वजह से हमने ये चूज नहीं करा 30% एज अ टैक्स ऑफ रेजिडेंट। अदर कॉपीराइट्स आर्टिकल 12 पैराग्राफ सेकंड ए 12 अगेन, और यहाँ पे भी 15%। ये सब चीज़ें हमें सेम ऐसे ही फिल करनी है जैसा आप देख रहे हो गाइस, तो दोबारा देख लो जो जो मैंने करा है, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने सर्विस मोशन पिक्चर अदर कॉपीराइट्स रॉयल्टी जो होता है मैंने ऐसे फिल करी है सारी। तो जैसा कि आपने बताया सर्विस स्पेशल रेट जो कंडीशन हमारे सर्विस में 0% रहेगा हमारा, मोशन पिक्चर में 15% रहेगा, एंड अदर कॉपीराइट्स रॉयल्टी में भी हमारा 15% रहेगा। गाइस सबको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ध्यान से देख लो आप जो जो मैंने करा है, फिर आपको अगेन नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। जैसे ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हो इट विल अगेन ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है देखो हमें एक फॉर्म बना हुआ गाइस, तो ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पे हमें एक्नॉलेज करना है आई कन्फर्म रिव्यू दिस, आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म हमारा दिख जाएगा, ठीक है। वो आप देख सकते हो डाउनलोड हो गया पीडीएफ पूरा। अब उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे फॉर्म पे सबमिट करने के बाद, ये देखो सारी चीज़ें हमारी आ गई है, ये सारी चीज़ें आ गई है हमारी सेम एज परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, नेक्स्ट करोगे, ठीक है। लीगल नेम क्या है आपका गाइज, बहुत सोच समझ के ध्यान से एक एक स्पेलिंग एस ए जी ए आर आर ए एस टी ओ जी रस्तोगी, ठीक है। यस आई एम लिस्टेड सिग्नेचर सेक्शन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई बिहाफ, डेफिनेटली यस आई एम अ पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड कम्प्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई बिहाफ, यहाँ पे आपको यही करना है। तो यहाँ पे हमने येस पे क्लिक कर दिया है आपके, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना ही अगेन है। अब एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म बाई यू एस आता है, यहाँ पे आपको यू एस एक्टिविटीज एंड सर्विस हैज परफॉर्म ऑफ अ यू एस सर्विस इन द यू एस, दे कैन बी इंक्लूड हायरिंग अ एम्प्लॉय इन द यू एस यूजिंग परमिट, हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म बाई एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन यू एस, नो यू एस में तो कुछ नहीं है हमारा गाइस, इस पे यस पे चेक क्लिक करना है नो के बाद। देन अगेन यहाँ पे हमारे पास पूछता है आर यू प्रोवाइडिंग अ टैक्स इन्फो फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट है, आई एम प्रोवाइडिंग अ टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट,
आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स रिफंड फॉर एग्जांपल फॉर दैट प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट, ये उनके लिए है सेकंड, जिन्होंने पहले पेमेंट आ चुकी है, जिनका पहले से मोनेटाइज है, पेमेंट ले रहे हैं आराम से इजीली अर्न कर रहे हैं, और ये उनका जिनका अभी नया मोनेटाइज हुआ है और जो अप्लाई कर रहे हैं टैक्स के लिए गाइस। तो हमने फर्स्ट पे ऑप्शन करा है क्योंकि जैसा आपको पता है मेरे चैनल अभी जस्ट मोनेटाइज हुआ है, तो उसके बिहाफ पे हम ही कर रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीड की तरफ से। अब क्या आएगा देखते हैं गाइस, हमें भी नहीं पता। ये गाइज अप्रूव्ड अप्रूव्ड क्लेम हो चुका है गाइज, यार देखो मतलब लिटरली सब कुछ डन हुआ फाइनली। अब ये आपके पास एक विंडो आ चुकी है, आप यहां से वापसी भी जा सकते हो, आपका अप्रूव्ड हो गया स्टेटस, सारे क्लेम्ड हो चुकी है आपके ये, और आपका सर आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा, ठीक है। तो यही ऐसे फॉर्म भर रहे हैं हम गाइज इसमें, आपने जैसा देखा, ठीक है। तो गाइज जैसा कि आपने सीखा होगा आज टैक्स इनफो जो फॉर्म है कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, किस चीज़ की जरूरत होगी, क्या डिटेल्स आप टेक केयर करके भरना पड़ेगा आपको, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है गाइज। और है आपको वीडियो यार पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइज, और बेल आइकन को दबा दो यार बिल्कुल, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइज, और कमेंट करके बताओ कौन सा वीडियो का पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्या है जो नहीं समझ आया गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।